लाश की कटी हुई जांघें और उन जांघों में सड़न शुरू हो चुकी थी। जाहिर था कि कत्ल को छुपाने का प्रयास हो रहा था और शव के टुकड़े ये सोचकर किए गए थे कि शायद ये कभी किसी के हाथ ही नहीं लगेंगे। लेकिन दोनों जांघें अब पुलिस की कस्टडी में थी। किस लाश की थी ये जांघें, कौन था पीड़ित, कौन था कातिल और क्या थी इस कत्ल की कहानी? तूफानी समंदर की लहरों की तरह इस केस के उतार चढ़ाव ने भी इन्वेस्टिगेशन की नाव को काफी डोलाया। बॉडी पार्ट्स हैं, जांघें मालूम होती हैं। लगता है किसी ने लाश के टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया है। सर, विट्ठल शिंदे और नाइक को सर्च पर लगा दिया है, पूरा एरिया छान रहा है। सर, यहाँ पर समुंदर का पानी आता है हाई टाइड में, हो सकता है ये टुकड़े उसी में बहकर यहाँ आए होंगे। मशवरों से भी बात की है समुंदर में लुकआउट के लिए। समुंदर बहुत बड़ा है विश्वास, आपने सही केस किया इंस्पेक्टर। ये इंसान के थाईस हैं। आदमी के या औरत के? अभी ये कहना मुश्किल है। इन पार्ट्स को सिविल हॉस्पिटल भेजना होगा। डॉक्टर, जितनी जल्दी आपकी रिपोर्ट आएगी उतना हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा होगा। सर, शिवखेड़ की पूरी खाड़ी छान मारी, अब तक कुछ नहीं मिला। तो ढूंढो और ढूंढो, तब तक ढूंढो जब तक कुछ मिल ना जाए। अगर जांघे काट के लाश से अलग किए हैं तो बाकी के टुकड़े भी जरूर कहीं ना कहीं फेंके होंगे। सर, हो सकता है कि लाश के अलग अलग टुकड़े जरूर किए हों लेकिन फेंका सबको समंदर में। हो सकता है विश्वास, समंदर जांघों को हम तक लेके आया है तो सर हाथ धड़ कहीं और किसी ना किसी किनारे पर जरूर पहुंचाए होंगे। एक काम करो, आसपास के समुद्र तट से लेकर जितने भी पुलिस स्टेशन और मछुआरों के यूनियंस हैं सबको रेड अलर्ट पे रखो और कोस्ट गार्ड को भी इन्फॉर्म करो। सर, शिवखेड़ की खाड़ी में एक लाश की दोनों जांघें मिली हैं। सारे पुलिस स्टेशन को इतला किया जा रहा है कि उनके इलाके में इस लाश के बाकी के टुकड़े मिलने की संभावना है और हर मुमकिन एरिया पर सर्च पार्टी भेजी जाए। प्रिलिमिनरी राउंड से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम इसे यहाँ एनालिसिस कर पाएंगे। सर, इसे हम स्टेट फॉरेंसिक लैब में भेज दें क्या, कंप्लीट एनालिसिस और डीएनए सैंपलिंग के लिए? ठीक है, भेज दो। अंदाजन कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? मैं अंदाजा भी नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर, फॉरेंसिक मामला है। वो लोग ही शायद आपको एक रफ टाइमलाइन दे सकें। लेकिन एक बात तो है, वक्त लगेगा काफी। थैंक यू डॉक्टर। सर, 48 घंटे हो चुके हैं लाश के टुकड़ों को मिलकर। हमारी टीम के अलावा 7 और पुलिस स्टेशन के एरिया में दिन रात सर्च हुई लेकिन कुछ नहीं निकला। इन 7 पुलिस स्टेशन से मिसिंग कंप्लेंट्स मंगवाओ। सर, ये जांघे हमें 18 अप्रैल को मिली थी तो 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक के मिसिंग कंप्लेंट्स मंगवाता हूँ। ओके। सर, 11 से 18 अप्रैल तक की ये मिसिंग कंप्लेंट्स हैं। सुरेश धुरी, पुरुष, उम्र 42 साल, मिरोशी पुलिस स्टेशन का केस। इसके बेटे जतिन धुरी ने 16 अप्रैल को इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। दूसरा केस है अनीता कदम, महिला, उम्र 32 साल। इसके पति शरद कदम ने 17 अप्रैल को इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। और सर, तीसरा केस है उमेश भोए,
पुरुष 26 साल, सर ये अपने पालघर पुलिस स्टेशन का केस है। अपना केस है? अपना कांस्टेबल जगताप इसको देख रहा है। जगताप को बुलाओ। ये उमेश भोईर का क्या केस है? सर उमेश के आई बाबा आए थे 17 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराने। मेरा बेटा उमेश कल रात से घर नहीं आया। कहाँ काम करता है? पालघर कंटेनर यार्ड में हेल्पर है साहब। साहब मैं पालघर कंटेनर यार्ड गया था पूछताछ करने के लिए, वहाँ बोले उमेश भोईर 16 अप्रैल को ड्यूटी पर आया था, पर उसके बाद कहाँ गया मालूम नहीं। उसके फोन रिकॉर्ड्स? सर 16 की रात को स्विच ऑफ हो गया, आखिरी कॉल अपने दोस्त राशिद अनवर को किया उसने। ये राशिद क्या बोला? सब मैं राशिद अनवर और उसके बाकी दोस्त दानिश अजीज और गुरु दावने से मिला, वो बोले थे उमेश भोईर अच्छा लड़का है, कोई लफड़ा वगैरह नहीं, पर एक लोचा है शायद। क्या लोचा? सब उसके सारे दोस्त गंजेड़ी हैं और वो बोल रहे थे कि उमेश भोईर भी गंजेड़ी था। हाँ साहब, हम लोगों का तो रोज रात को मिलना होता है साहब, लेकिन उमेश नहीं था। उमेश ने 7:25 पे आखिरी कॉल किया था अपने फोन से, और फोन तुम्हें किया था राशिद अनवर। फोन मेरे को किया था लेकिन वो नहीं आएगा ये बोला था ये दानिश। हाँ साहब, आप उन लोगों को लगा वो किसी काम में अटक गया होगा। कोई आपस का झगड़ा तुम लोगों के बीच? अपन लोग सब बचपन से साथ में, वो थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है, लेकिन अब उन लोग का बहुत सॉलिड जमता है साहब। अपन लोग दोस्त हैं एकदम। हम लोग दोस्त हैं सब। साहब मैंने तीनों के स्टेटमेंट चेक की है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो 16 की रात की बात थी और आज 21 अप्रैल है। पता करो ये उमेश घर तो नहीं लौटा। जी सर। हेलो, कांस्टेबल जगताप बोल रहा हूँ पालघर पुलिस स्टेशन से। हाँ हाँ साहब, क्या हुआ, कुछ पता चला हमारे उमेश का? मैं आपसे ही पूछने जा रहा था, कुछ खबर उमेश की? हमें कहाँ से खबर मिलेगी साहब, आप लोग ही माई बाप हो, आप लोग ही करोगे। ठीक है, हम बताएंगे आपको अगर कुछ पता चला तो। क्या बोले? हम ही से पूछ रहे हैं पुलिस वाले, कोई खबर है क्या? विश्वास, ये उमेश भोईर गंजेड़ी के बारे में सारी जानकारी हासिल करो। कांस्टेबल जगताप की टीम काम पर लग गई है सर। गुड, और ये जो बाकी के 2 मिसिंग केसेस हैं, अनीता कदम और सुरेश धोरी, इनके बारे में भी सारी जानकारी निकलवाओ। सर हम ह्यूमन थाइस को एनालाइज कर रहे हैं इंस्पेक्टर, बट आई एम सॉरी मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं बता पाऊंगा। मिस्टर श्याम, आपकी रिपोर्ट आने के बाद ही सही मायने में हमारा केस किक स्टार्ट होगा, उससे पहले तो हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। मैं समझ सकता हूँ सर, बट हमारी भी मजबूरी है। देखिए बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और सारे केसेस आपके केस की तरह इंपॉर्टेंट। मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डबल स्पीड में काम करूंगा, बट इस वक्त टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल है। शरद कदम? हाँ मैं ही हूँ साहब। तुमने अपनी पत्नी अनीता कदम की मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी। अब मेरे को नहीं चाहिए वापस वो, मेरे को पता करने का साहब कि किसके साथ भाग के गई हो, किधर गई, क्यों गई, मालूम नहीं साहब मेरे को। साहब तकलीफ उसको भी होना मांगता है ना साहब। घर पर और कोई है? खुद की कोख से पैदा हुआ सिक्का ही खोटा हो तो दुनिया पे क्या उंगली उठाना साहब। मेरा बेटा तो शराब में डूबा हुआ था, लेकिन मेरे बहू का दम घुट रहा था, चली गई उसे छोड़ के। कुछ तो कहा होगा आपसे? कुछ नहीं, सिर्फ थैली ली और कांदे बटाटे लेने जा रही हूँ काम, उससे गई जो गई वापस आई ही नहीं। बटाटे खत्म हो गए, कांदे भी 2-3 बचे हैं, मैं लेके आती। क्या करती बेचारी, ना औलाद का सुख ना पति का प्यार, घर घर ही नहीं रहा साहब हमारा, कैसे रहती उसके साथ। सारा दोष मेरे बेटे शरद का है। हाँ, कहीं अपने मायके तो नहीं गई? नहीं, फोन करके पूछा मैंने मेरे समधन को, उसकी भी हालत बहुत खराब है।
हाँ साहब, ये मेरे पापा हैं, सुरेश धुरी। मैंने कंप्लेंट लिखाई थी मिरोशी पुलिस स्टेशन में। कब से गायब है? 16 अप्रैल को। कोई परेशानी थी? साहब हम गरीब हैं, परेशानी तो साई की तरह हमारे पीछे पड़ी रहती है। खेत में उपज नहीं तो सारी गलती मेरी, कोलू के बैलों से ज्यादा मैं पिसा हूं। अरे जमीन जहरीली हुई, दो बूंद बारिश नहीं हुई तो मैं क्या करूं? किसी को पड़ी है? नहीं, सब मेरे नाम पर चिल्लाते हैं, मेरा गला दबाते हैं, और तुम दोनों भी। सर पे कर्जा था? सिर्फ सर पे नहीं साहब, सब कुछ कर्ज में डूबा था। एक तरफ बैंक वालों की तकलीफ, दूसरी तरफ साहूकार वाले लोग हर साल फसल के नाम पे हम सिर्फ मजाक काटते थे। मैं खुद 12वीं पास हूँ साहब, पर पूरे इलाके में ढंग की नौकरी नहीं मिलती, सबका पारा चढ़ावा रहता है। इससे पहले ऐसे बिना बताए कभी गए हैं? नहीं साहब, वो दिन तो वो खेत पे भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए साहब। सर, अनीता कदम अपने बियक्कड़ पति शरद की वजह से घर छोड़कर गई, ऐसा उसकी सास का कहना। उसकी माँ अपने बेटे शरद का बचाव तो नहीं कर रही है? लगता नहीं है सर, इतना पीता है वो, किसी को मारने की ताकत नहीं है उसमें, और लाश के टुकड़े वगैरह करना तो इम्पॉसिबल। सुरेश धुरी भी अपने इलाके के हजारों किसानों की तरह कर्ज में डूबा था सर। कहीं साहूकारों के दबाव में आके सुसाइड तो नहीं किया? सर मैंने साहूकारों और बैंक के रिकवरी एजेंट से बात की, ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया उन्होंने। और सुसाइड किया भी हो तो ये जांघें उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक मर्डर केस से निपट रहे हैं। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अब तक आई नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर अनीता कदम, सुरेश धुरी या उमेश भोयर, इन तीनों में से किसी एक की तरफ इशारा करती है तो हमारा गुड लक, पर अगर नहीं करती है तो हमें इन तीनों के परे कोई चौथा एंगल देखना होगा। एक काम करो, अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर के जो पुलिस स्टेशन हैं उन सबकी मिसिंग कंप्लेंट चेक करो, पुरानी मिसिंग कंप्लेंट भी चेक करो, हो सकता है कहीं दूर किसी को कोई दूसरा बॉडी पार्ट मिला हो। 3 मिसिंग कंप्लेंट्स के दायरे से निकलकर अब महीनों पहले के मिसिंग केसेस भी इन्वेस्टिगेट किए गए। आसपास के कई पुलिस स्टेशन इस इन्वेस्टिगेशन में भागीदार बन गए, लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस इन कटी हुई जांघों का रहस्य सुलझा नहीं पा रही थी। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग थी, उतने में पुलिस ने एक नई लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपनाया, और दरअसल इसी की वजह से इस केस में सुरागों का खाता खुला। सर जिसकी जांघें हमें मिली हैं, हो सकता है कि उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ही ना हुई हो। मतलब जिसका कोई आगे पीछे है नहीं? करेक्ट सर। हमें कटी हुई जांघें शिवखेड़ की खाड़ी की झाड़ियों से मिली, यहाँ से, तो हो सकता है किसी ने उन्हें यहाँ से फेंका हो, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ समंदर से। एक काम करो, इस सारे इलाके में अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, उन्हें कहो उन लोगों का पता लगाएं जो मिसिंग तो हैं लेकिन मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज नहीं हुई। सर साहब, आपका निशाना एकदम सही जगह पे लगा है। अपने वान गांव के कंसोरी गांव की एक लेडीज है, मैरिड लेडीज है साहब, मीनाक्षी लोखंडे साहब, वो मिसिंग है, लेकिन उसके हस्बैंड ने कोई कंप्लेन नहीं लिखाया है। पति का नाम क्या है? नीलेश लोखंडे नाम है साहब, इधर एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। और ये मीनाक्षी लोखंडे कब से मिसिंग है? साहब ये गाँव वाले बता रहे थे कुछ 3-1 महीने से मिसिंग है। 3 महीने? हो साहब, और ये नीलेश एकदम मजे में रह रहा है, ना कोई कंप्लेन, ना कोई टेंशन, एकदम बिंदास साहब। निलेश, वो पुलिस आए हैं। क्यों? मीनाक्षी के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ मत बताना, मैं अभी आता हूँ आशा दाई। निलेश आ रहा है। बेटा तुम्हारी आई कहाँ है? बेटा चौबार जाके खेलो। मीनाक्षी, मीनाक्षी 3 महीने से गायब है, लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें पता है वो कहाँ है। नहीं सर, मैं नहीं जानता। मैं ढूंढ इसलिए नहीं रहा हूं, वो और मैं पहले से एक दूसरे को खो चुके हैं, अब कोई मतलब नहीं उसे ढूंढने का। मैं खुश हूं बच्चों के साथ। वो तुमसे ना खुश थी?
मैं खुश नहीं था उससे। शर्म के मारे गर्दन झुक जाती थी मेरी। ऐसा भी क्या शर्मनाक काम करती थी तुम्हारी बीवी? लत लग गई थी उसे। कैसी लत? मेरी पत्नी को मर्दों की लत लग गई थी। हर हफ्ते कोई नया, मुझसे पेट नहीं भरता था उसका। नाम जानकर क्या करोगे? कुछ करोगे? सच में कुछ करोगे? दिगंबर नाम है ना उसका। चलो अच्छा है, नाम जान लिया तो ये भी जान लिया होगा कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है। क्या नहीं करता हूं तुम्हारे लिए? अच्छा कमाता हूं, सारे पैसे तुम्हारे हाथ में देता हूं, दो प्यारे बच्चे अपने, उन्हें छोड़कर तुम अलग अलग मर्दों के साथ घूमती फिरती हो और पता नहीं क्या क्या करती हो। यही तो रोना है कि तुम्हें पता नहीं कि क्या करती हूं या फिर कैसे किया जाता। मीनाक्षी क्या चाहिए तुम्हें? दो बच्चे और हाथ में तनख्वाह देने से एक औरत की जरूरत पूरी नहीं होती। एक असली औरत को असली मर्द ही चाहिए जो उसकी हर जरूरत पूरी कर सके। अब इससे ज्यादा और तुम्हें क्या समझाऊं? तेरे हिसाब से मैं असली मर्द नहीं हूं? दिगंबर असली मर्द है? हाँ? सामने से बोलती थी तुम नामर्द हो, खुश नहीं कर सकते हो मुझे। ऐसे औरत के साथ कोई क्या करेगा? मार डालेगा जान से। मेरे दो छोटे बच्चे हैं सर, मैं तो पहले से बाप के साथ साथ मां का भी काम करता आया हूं, अब तो पूरी तरह करता हूं। मीनाक्षी गई कहां है? गांव में कोई एक प्रेमी हो तो बताऊं। दिगंबर कौन है? दिगंबर माने का नाम काफी लोग लेते थे मीनाक्षी के साथ। कहां मिलेगा? मीनाक्षी के मायके जाके पूछिए, पुराना याराना था उनका। सर ये नीलेश लोखंडे आदमी तो सीधा लगता है, पर विश्वास ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि सीधा आदमी झूठ नहीं बोल सकता या मर्डर नहीं कर सकता? हो सकता है 3 महीने तक उसके अंदर चिंगारी सुलगती रही हो और एक दिन उसने जाकर भड़ास निकाल दी, मार डाला मीनाक्षी को। मीनाक्षी लोखंडे कहाँ थी? क्या वो कटी हुई जांघें मीनाक्षी की थी? लेकिन मीनाक्षी अपने पति नीलेश का घर 3 महीने पहले छोड़ चुकी थी। पुलिस अब अपनी पूरी ताकत लगाकर मीनाक्षी को ट्रेस करने में लग गई। आखिरकार मीनाक्षी के साथ हुआ क्या था? मीनाक्षी का मायका यही है? बाप हूं मैं उसका। बोलिए कहाँ है आपकी बेटी? मीनाक्षी हम जैसे नहीं थी, अलग थी वो, गलत थी। नीलेश जैसा आदमी उसे कभी नहीं मीलेगा। वो तो ठीक है, पर इस वक्त मीनाक्षी है कहाँ? हमें नहीं पता और हम जानना भी नहीं चाहते। नीलेश का घर छोड़ने के बाद मीनाक्षी आई थी यहाँ? एक दिन के लिए अपना काला मुंह लेकर बैठी थी यहाँ। मीनाक्षी बड़े दिल वाला है नीलेश, तेरी सारी करतूतों को माफ कर देगा, वापस चले जा उसके पास। अरे आई क्या करने का ऐसे बड़े दिल वाले का, जो मेरे छोटे छोटे अरमान भी पूरे नहीं कर सकता। अरे लानत है तेरे अरमानों पर, जिसमें ना तो तेरे पति शामिल है और ना ही तेरे बच्चे। उनका तो ख्याल कर, कम से कम उनके बारे में तो कुछ सोच। मुझे पूरी जिंदगी में जितना सोचना था ना, मैंने पिछले कुछ दिनों में सोच लिया है। बस अब मैंने सोचा है
कि मैं अपने मन की ही करूंगी, ना किसी से डरूंगी और ना ही किसी से कुछ पूछूंगी। एक दिन के लिए आई थी यहाँ पर, आप दोनों का इतना सारा प्यार मिला कि अब पूरी जिंदगी यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मीनाक्षी, कहाँ गई वो बैग लेकर? उसी से पूछिए, दिगंबर माने से। कहाँ रहता है दिगंबर? यही देवूर में। सर, दिगंबर का घर लोकेट हुआ, एक कांस्टेबल को वहां पर तैनात किया है। वो कह रहा है कि घर पर ताला है और काफी दिनों से ताला है। सर, पड़ोसी कह रहे हैं कि 2.5 महीने से ताला लगा हुआ यहाँ पर। मीनाक्षी आई थी यहाँ रहने? साहब नाम तो नहीं पता, पर 3 महीने पहले एक औरत आई तो थी दिगंबर के साथ यहाँ रहने। हाँ साहब यही है, पर ये तो किसी और की पत्नी है। कहाँ गए ये दोनों, मीनाक्षी और दिगंबर? अब मुझे कैसे पता होगा साहब, बस इतना बता सकती हूँ कि दिगंबर यहाँ पास में एक फैक्ट्री में सर्विस करता था। विश्वास, ताला तोड़वा दो। कुछ तो जलाया गया है, यहां कुछ पक रहा था विश्वास, यहां कुछ तो गलत हुआ है। आप सही कह रहे थे, 2.5 महीने पहले यहां काफी कुछ पकड़ा था। पक तो रहा था लेकिन खाया नहीं गया, पकी चीज जल गई। तुम दावे के साथ कह सकती हो कि ये घर 2.5 महीने से बंद था, यहां कोई आया गया नहीं? साहब अगर दिगंबर यहां आया होता तो मुझे पता चल जाता, मैं पूरे टाइम घर पर ही रहती हूँ। ये दिगंबर मिलेगा कहां? साहब वो जिस फैक्ट्री में काम करता है, गणेश श्री, वहां से भी उसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक आदमी आया था उसके बारे में पूछते पूछते। तुम्हें कुछ तो पता होगा, उसके कोई रिश्तेदार, उसका कोई दोस्त। माँ बाप दिवासी पालघर में रहते। पर विश्वास, हमें तो मालूम तक नहीं है कि दिगंबर दिखता कैसा है। सर गणेश फिशरी की फाइल्स में उसकी फोटो जरूर होगी। ऐसा दिखता है दिगंबर माने? सर बात समझ में नहीं आ रही, 2.5 महीने पहले दिगंबर और मीनाक्षी दोनों यहाँ से गायब, और दोनों अब तक गायब हैं। विश्वास मुझे लगता है हम एक नहीं दो मर्डर सुलझाने वाले हैं। सर आपको लगता है इस नीलेश ने? हाँ बिल्कुल हो सकता है, नीलेश ने दोनों का मर्डर किया और बॉडीज को काट के अलग अलग जगह फेंक दिया। कई मिसिंग कंप्लेंट्स को फॉलो अप करने के बाद अब वो एक औरत को खोज रहे थे जिसका नाम था मीनाक्षी लोखंडे और जिसका अता पता एक राज था। मीनाक्षी के चोट खाए पति नीलेश लोखंडे को लग रहा था कि मीनाक्षी अपने एक प्रेमी दिगंबर माने के साथ कहीं भाग गई है। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या यह केस वाकई एक जेलस पति द्वारा हत्या का केस था या फिर इस केस की हकीकत बिल्कुल ही अलग थी। ये दिगंबर का घर है? जी साहब, मैं दिगंबर के आई हूँ। इस लड़की को पहचानती हैं आप? नहीं साहब, बात क्या है? दिगंबर आया था यहाँ करीब 2.5 महीने पहले। दिगंबर यहाँ आया, बोला वहाँ वान गांव में काम नहीं करने वाला है, यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा। दिगंबर यहाँ है? हाँ। Yeah.
दिगंबर। हमें देखकर भाग कर तू नहीं जानता तूने हमारा काम कितना आसान कर दिया दिगंबर माने। मुझे सच में नहीं पता मीनाक्षी कहाँ है। तुझे ये नहीं पता मीनाक्षी की लाश कहाँ है? अब तूने उसकी लाश के इतने टुकड़े करके यहाँ वहाँ फेंके तो याद कैसे होगा, है ना? साहब क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ साहब। कोई बात नहीं, जब उल्टा लड़का के एक एक हड्डी तोड़ेंगे ना तेरी तो सब अपने आप उगलेगा। विश्वास जगताप, इतने दिनों की पूरी कसर निकालो। शुरुआत से बता। साहब मीनाक्षी के साथ मेरी पुरानी पहचान थी, जब मैं वानगांव में काम करने के लिए गया तब वो फिर से दिखी और फिर से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती? चक्कर चक्कर फिर से शुरू हो गया साहब। हम लोग उसके घर पे मिलने लगे। दिगंबर चल ना कहीं भाग चलते। 16 साल की थी तब अगर बोलती तो सोच भी लेता, अब तेरी शादी हो गई है, तू बच्चों की माँ है, भागकर कहाँ जाएंगे? बच्चों को मैं संभाल लूंगी, लेकिन उस नीलेश के साथ ना सारी जिंदगी मैं नहीं रह सकती। क्यों, इसमें क्या कमी है? कुछ नहीं, बस उसमें ना मेरी वाली बात नहीं है। मेरी वाली बात? वो तो कई सारे लोगों में है। अभी मेरे साथ भागेगी, फिर मेरे से भी उब जाएगी, फिर किसी और की बात में दम लगेगा, है ना? दिगंबर तू मुझ पे शक कर रहा है ना? शक ना करने का कोई कारण है? सब मैं कभी नहीं चाहता था कि वो अपने पति को बच्चों को छोड़े। मतलब तो बिल कभी भरना ही नहीं चाहता था, फोकट में मजा मारना चाहता था बस, है ना? नहीं साहब, मैं बात को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता था। 3 महीने पहले बिना कुछ बताए वो सीधा मेरे घर आ गई। निवाला निकल लो और मेरे लिए भी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। उसकी भूख भयंकर थी साहब, मिट्टी नहीं थी कभी। वहाँ वानगांव में नीलेश के साथ थी तब उसका दूसरे मर्दों के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। यहाँ मेरे पास आई तो यहाँ पर भी उसने वही सब शुरू कर दिया, हर मर्द के साथ आंख लड़ाता। मैंने उसे कितनी बार बोला जा अपने बच्चों के पास जा जा, लेकिन वो नहीं मानी। सच कहता हूँ साहब, मेरा कोई प्रेम वेम नहीं था और ना ही उसका था, ना तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता था और ना ही वो करना चाहती थी। उसे बस यहाँ रहना था और अपनी मर्जी का करना था, और जो कि मुझे मंजूर नहीं था। और एक दिन आज रात को ही तुम तुम्हारा सामान बांध के रखना, कल सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए इसलिए। पर क्यों? क्या क्यों क्यों लगा रखा है?
मैं तुमसे शादी वादी करने वाला तो हूँ नहीं। पलटी मार रहे हो? मैंने अपना घर, अपने बच्चे, सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तूने कहा कि तू मुझसे शादी करेगा। साली छोटी, मैंने तुमसे कब कहा मैं तुमसे शादी करूंगा? हर चीज बोलने से नहीं समझी जाती है दिगंबर। तूने मुझे अपने प्यार का वास्ता दिया, मेरे साथ प्यार के संबंध बनाए, और मैंने अपना घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पति छोड़ दिया। इसका मतलब तो यही समझा जाता है ना दिगंबर, कि तू मुझसे शादी करेगा। प्यार, शादी, ये शब्द ना तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। तुम्हें सिर्फ तन की भूख पता है। शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्दों से तुम उसे मिटाती रहती हो, और ये गंदगी तुमने यहाँ पर भी शुरू कर दी। मुझे सब पता है, समझी? शादी कर ले मुझसे दिगंबर, सब बंद हो जाएगा। बोल ना, कब कर रहा है मुझसे शादी? आइंदा कभी मुझ पर हाथ उठाया तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं मुझे। सीधे जाऊंगी पुलिस स्टेशन और लिखाऊंगी रिपोर्ट, कहूंगी कि तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया। फिर देखना, पुलिस को भी मेरी ही बात पे विश्वास होएगा। इसे लेने के देने पड़ेंगे ना, कि भीख मांगोगे मुझसे शादी करने के लिए, समझे? मीनाक्षी, तुमसे भूख मांगूंगा। मुझे घुटन हो रही थी साहब उसके साथ, गुस्से में मैंने क्या कर दिया कुछ समझ में नहीं आया, बस कर दिया। फिर तूने मीनाक्षी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पूरे इलाके में बिखेर दिए, ये समझ करके हम तक कभी पहुंचेंगे नहीं, है ना? क्या 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 साहब? अरे बन मत, वरना सचमुच उल्टा लटकेगा। लाश के टुकड़े कर दिए साहब, आप क्या बोल रहे हैं साहब? तूने मीनाक्षी की लाश को ठिकाने नहीं लगा? लगा ना साहब, मैं कहां इनकार कर रहा हूं साहब, मैंने लेकिन मैंने मीनाक्षी की एक उंगली तक नहीं काटी साहब, सच में। लाश को जंगल में फेंक दिया, सोचा जानवर खा जाएंगे। उसके बाद मैं वापस अपने घर लौटा ही नहीं, सीधा अपने गांव चला गया दिवाशी आई के पास। इधर
साहब मैंने लाश यहाँ से नीचे फेंक दी थी। गोनी सर, औरत की बॉडी है, काफी बुरी हालत में, बॉडी पार्ट्स भी मिसिंग है। औरत की लाश है, एज अर्ली 30s। ज्वेलरी और कपड़े आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये वही हो सकती है जिसके थाइस मिले थे हमें? नो। क्यों? इस लाश के भी बॉडी पार्ट्स मिसिंग है। मिसिंग नहीं है, खा लिए गए हैं। इस औरत की बॉडी को जंगली जानवरों ने जगह जगह से खा लिया है, थाइस भी। इंस्पेक्टर, शायद ये वो लाश नहीं है जिसकी आपको तलाश है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक मैं 100% कुछ भी नहीं कह सकता। ये मीनाक्षी की साड़ी, ये जेवर शादी के वक्त बनाए थे। विश्वास, फॉरेंसिक लैब के साथ कांस्टेंट फॉलोअप करो, अपनी प्रोग्रेस उन्हें बताओ, प्रेशर डालो उन पर। सर, अब तक 3 बार फोन कर चुका हूँ। वैसे सर, अगर दिगंबर ने 2.5 महीने पहले मारा होता तो बॉडी का सड़ना लॉजिकल है, लेकिन जो जांगे हमें मिली है वो इतनी सड़ी हुई नहीं है। सर एक खबर है, सर बोलो जगताप। अनीता कदम और सुरेश धुरी वो दोनों अपने घर आ गए साहब। ले गए थे तू? आ जा बेटा, आ जा। बाबा, बाबा आप, बाबा कहाँ चले गए थे? नहीं कर पाया रे, हिम्मत ही नहीं हुई खुदकशी करने की। तुम दोनों को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं किया। इसे कभी मत सोचना बाबा, हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे और पूरा कर्जा उतारेंगे। चलो, दो परिवारों को सुकून तो मिला, पर वो तीसरा उमेश दशरथ भोईर, उसका क्या हुआ? साहब वो अभी तक लौटा नहीं है। क्या हमारी एक बार भी याद नहीं आती होगी उसे? क्या ये गांजे का नशा इतना असर करता है? क्या पता निर्मला, पुलिस भी यही बोल रही थी कि वो उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाई। साधु वाधु बन गया हो कहीं, कोई लड़की का चक्कर हो, कुछ भी हो, बस वो एक बार हमें बता दे ताकि हम ऐसे तिलमिल तिलमिल ना होते रहे। 1 महीने से ऊपर हो गया निर्मला, संदेशा भेजना होता तो अब तक भेज चुका होता। मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है हमारे उमेश को। हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि जो जांगे हमें मिली थी वो उमेश की है या नहीं। हो सकता है अनीता और सुरेश की तरह वो भी घर लौट आए। हो सकता है सर, लेकिन इतना तो तय है कि एक शख्स का मर्डर हुआ है, लाश की जांगे काटकर अलग की गई, और वो शख्स कभी अपने घर नहीं लौटे। और पूरे 1 महीने बाद भी हमारा ये केस ब्लाइंड का ब्लाइंड ही है। कटी हुई जांगों का रहस्य 7 महीने तक बना रहा, केस में कोई सुराघात नहीं आया, मामला ज्यों का त्यों बना रहा, और फिर पूरे 7 महीने बाद इस केस के इंजन को एक किक स्टार्ट मिला।
बोलिए डॉक्टर श्याम। ऑफिसर वो ह्यूमन थाइस की एनालिसिस हो चुकी। क्या रिपोर्ट आई है डॉक्टर? हमने एक डीएनए स्ट्रैंड को आइसोलेट करके उसे प्रिजर्व किया, जिसमें से हमें पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स, ये थाइस किसी 25 से 28 साल के आदमी के हैं। डॉक्टर आपकी ये फाइंडिंग्स कितनी एक्यूरेट हैं? वेल ऑफिसर, हमने इतना टाइम लिया ताकि हम आपको 100% दे सकें, बट 1% मार्जिन ऑफ एरर ऐसे प्रोसीजर में होता है, सो 99%। थैंक्स। विश्वास, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। मेल 25 से 28 साल। सर उमेश भोयर 26 साल। हो सकता है उमेश भोयर का कत्ल हुआ हो और जांघें काट के अलग की गई हो। सर उमेश भोयर अब तक नहीं लौटा है और उसके बारे में कोई लीड भी नहीं मिली सर। उस बॉडी पार्ट से डीएनए प्रिजर्व किया हुआ है, उमेश के माँ बाप से मैच करके देख सकता है। साहब ये डीएनए है क्या? क्यों करवा रहे हैं? दशरथ जी, हमें एक लाश की जांघें मिली है। डॉक्टर्स के हिसाब से ये लाश किसी आदमी की है जिसकी उम्र 25 से 28 साल के बीच की है। हमें ये जांघें 18 अप्रैल को मिली थी और आपका बेटा 16 अप्रैल से गायब है। डीएनए समझ लीजिए कि आप दोनों के खून का अंश उस लाश के खून के अंश के साथ मैच किया जाएगा। अगर ये मैच नहीं हुआ तो हम आपके बेटे उमेश की खोज जारी रखेंगे। ये कटी हुई जांघों का केस क्या कभी ब्लाइंड केस की अंधेरी कालकोठरी से निकलकर रोशनी में आने भी वाला था या फिर नहीं? इस केस में उमेश भोयर की मिसिंग कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो थी, लेकिन डीएनए प्रिजर्वेशन के बाद ये समझा जा रहा था कि ये बॉडी पार्ट उमेश के ही हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर थी। इस केस में और कई ऐसे पेचीदा मोड़ और ट्विस्ट आए। इसके पहले कि ये साबित किया जाता कि ये दो कटी हुई जांघें आखिरकार किसकी थी, साथ ही साथ ये भी पता लगाना था कि आखिरकार इतना भयंकर कत्ल हुआ क्यों। एक जवान औरत, चंद ड्रग एडिक्ट्स और एक ऐसा सुराग जो पुलिस की नाक के नीचे था। इस केस को अंजाम देंगे हम कल रात 11 बजे इसके दूसरे और आखिरी भाग। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर समझदारी और मेहनत से वो अच्छा और अच्छा हो सकता है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।